नमस्कार, मैं सविता शेखावत। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हमने ये सब्जी हरे चने से बनाई है। सरसों का साग तो आपने बहुत खाया होगा, लेकिन एक बार आप हरे चने की सब्जी बनाकर देखिए। ये सब्जी सरसों के साग से थोड़ी सी अलग है। अगर आप इसको एक बार बना लेंगे तो आप इसको बार बार बनाएंगे, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए जान लेते हैं इसको कैसे बनाएं। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसको बनाने के लिए हमने 250 ग्राम चने लिए हैं। ये देखिए, इसकी हमने कच्ची कच्ची जो पत्ती है वो पूरी निकाल कर अच्छे से साफ कर लिया है। इसके साथ हमने एक मुट्ठी भरी मेथी ली है छटी हुई, और इतनी ही हमने पालक ली है। तो इसको अब हम बारीक काट लेंगे। सारी सब्जियों को हमने कट कर लिया है। इस सब्जी को एकदम फाइन चॉप करना है, ये उससे बहुत अच्छी बनती है। इसमें लगने वाली सामग्री में हमने 250 ग्राम खट्टी दही ली है। आप इसकी जगह पे छाछ भी यूज कर सकते हैं। 2 छोटे चम्मच हमने गेहूं का आटा लिया है, और 2 छोटे चम्मच हमने बेसन लिया है यानी चने का आटा। ये हमने लहसुन लिया है 2 गठान, इसमें लहसुन की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा लगती है। हींग ली है 2 पिंच, नमक स्वाद अनुसार, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्ची और 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। पहले हम सब्जी को अच्छे से धोएंगे। इसके लिए एक बड़े बर्तन में पानी लेकर उसके अंदर सब्जी डालकर इसको हम 4-5 बार पानी बदल बदल कर अच्छे से धोएंगे, ताकि इसकी पूरी मिट्टी निकल जाए। सब्जी को हमने एकदम अच्छे से धो लिया है, तो अब हम इसको कुकर के अंदर डालेंगे। पूरी सब्जी को कुकर के अंदर डाल लेंगे। सब्जी डालने के बाद अब इसके अंदर हम 1 छोटा चम्मच नमक डालेंगे, और 1 छोटा कप पानी का हम इसके अंदर डाल देंगे। इसमें हमें ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं है, ये थोड़े पानी में ही सीझ जाती है, क्योंकि हमने इसको अभी अच्छे से धो लिया है। इसको पकाने के लिए हम इसके अंदर 7-8 सीटी लगवाएंगे। जब तक सब्जी पकेगी हम इसका बैटर तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले दही को फेंट लेंगे। इसको हम एकदम अच्छे से फेंट कर इसका छाछ बना लेंगे। दही को फेंटने के बाद इसके अंदर हम लाल मिर्ची पाउडर डाल लेंगे। जितनी मिर्ची हम खाते हैं इसमें हम उतनी ही लाल मिर्ची डाल लेंगे, और इसको भी अच्छे से फेंट लेंगे। ये हम इसके अंदर गेहूं का आटा डाल लेंगे, और इसके साथ में ये हम इसको थोड़ा सा फेंटने के बाद बेसन डालेंगे। इसमें से ये देखिए हमने बेसन डाल लिया है। इसको भी डालकर हम अच्छे से फेंट लेंगे, इसको पूरा एकदम, इसके अंदर लम्स ना बचे जब तक हम इसको फेंटेंगे। लहसुन का हमने छिलका निकाल कर उसको एकदम बारीक कूट लिया है, तो इसको भी इसके अंदर डाल लेंगे। और 1/2 लहसुन हम बचा कर रख लेंगे, उससे हम इसमें छोंक लगाएंगे बाद में। ये बैटर हमारा अच्छे से तैयार हो गया है। ये देखिए, इसमें एक भी लम्स नहीं है, इसको ऐसे ही बनाना है। इसको बनाने के बाद अब हम कुकर को चेक करेंगे। कुकर को हमने खोल लिया है। ये देखिए, ये सब्जी अच्छे से पक गई है, तो इसको चेक करेंगे। इसको हम ऐसे मसल कर देखेंगे। ये देखिए, ये अच्छे से पक गई है। अगर आपको लगे कि ये थोड़ी सी कच्ची है तो आप इसको दोबारा 2-3 सीटी और लगवा लें, जिससे कि ये बहुत अच्छे से पक जाएगी। इसको हमने एक रई लेकर देखिए इसको अच्छे से ऐसे मसल लेंगे, जिससे कि ये पूरी अच्छे से घुट जाएगी। आप इसको ग्राइंडर में डालकर भी हल्का सा फिरा सकते हैं। तो अब इसके अंदर हम जो हमने बैटर तैयार किया था वो डालेंगे, और इसको हम एक चम्मच की सहायता से अच्छे से मिक्स करेंगे पूरा। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको फिर से गैस पे रखेंगे, और इसको हम 5-6 मिनट तक पकाएंगे, ताकि हमारा जो बेसन और गेहूं का आटा और मसाले हैं वो अच्छे से पक जाए। जब तक इसके अंदर उबाल आएगा हम गैस का फ्लेम फुल रखेंगे, और जब एक बार इसके अंदर उबाल आ जाएगा तो हम गैस का फ्लेम कम कर देंगे। ये देखिए, इसके अंदर अच्छे से उबाल आ गया है। तो अब गैस का फ्लेम कम करके हम इसको 5-6 मिनट तक धीमी धीमी आंच पर पकने देंगे। कुकर को हम थोड़ा सा ढक देंगे और थोड़ा सा खुला रहने देंगे, क्योंकि इसके अंदर से बहुत सारी छींटे उड़ती हैं, और बीच बीच में इसका ढक्कन उठाकर हम इसको चलाते रहेंगे। छह
चार पाँच मिनट पकने के बाद इसके अंदर हम नमक चेक कर लेंगे। इसमें से थोड़ी सी सब्जी लेकर हम खा कर देखेंगे। इसके अंदर नमक तो कम नहीं है, अगर कम लगे तो हम इसके अंदर थोड़ा सा नमक और डाल लेंगे। अगर इसके अंदर नमक कम रहेगा तो इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, इसलिए आप पहले से ही चेक करके इसके अंदर नमक डाल लें। लगभग 5-6 मिनट पकाने के बाद सब्जी हमारी तैयार हो गई है, तो अब इसको हम हटा लेते हैं और इसके लिए छौंक तैयार करते हैं। ये हमने एक तड़का पैन रख लिया है, इसके अंदर हम 2 छोटे चम्मच घी डालेंगे। घी गर्म हो गया है तो इसके अंदर हींग डाल लेते हैं 2 पिंच, जीरा आधा छोटा चम्मच, और ये हमने जो लहसुन कूट के रखा था उसको भी इसके अंदर डाल लेंगे। 2 हरी मिर्ची बारीक कटी हुई, अगर आपको पसंद है तो डालिए, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसको हम हल्का सा पका लेंगे। ये थोड़ा सा पक गया है तो गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और इसके अंदर हम आधा छोटा चम्मच हल्दी का डालेंगे। हल्दी डालने के बाद इसको हम फटाफट सब्जी के ऊपर डालेंगे। ये देखिए हम सब्जी का बर्तन इधर ले लेते हैं, इसके अंदर हम इसको डालेंगे और फटाक से इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे जिससे कि पूरा स्मोक इसके अंदर ही रह जाए। थोड़ी देर के बाद इसका ढक्कन हटाकर इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये लीजिए हमारी चने की सब्जी खाने के लिए तैयार है। आप इसको बाजरे की रोटी या फिर मक्का की रोटी, गेहूं की रोटी किसी के साथ भी खाइए, ये आपको बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन है उसे क्लिक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चने की भाजी की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।